नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। एक बार मैं फिर से लेके आपके सामने हाजिर हूँ यूपीएसआई 20 क्वेश्चनों की धुआंधार क्लास, जबरदस्त क्लास। और धुआंधार जबरदस्त क्लास में आप भी एक पार्ट है। तो दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, सबसे पहले लिंक को अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज हम चला रहे हैं ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये जो वीडियो आप तक पहुंच रही है, इसके पीछे इतनी मेहनत है। मेरा खुद का एक सिलेक्शन प्रोसीजर है कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएं, कौन से क्वेश्चन उठा के रखे जाएं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। और एक चीज और समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, हमारे बैचेस, हमारे कंप्लीट बैचेस, यूपीएसआई के कंप्लीट बैच, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट का हो, हिंदी वगैरह जितनी सारी चीजें, इनके कंप्लीट बैच हमने बना के अपने ऐप और वेबसाइट mobilepathshala.com और मोबाइल पाठशाला नाम का ऐप हमारा, उस पर रखे हुए हैं। आप जाइए, इनरोल करिए आज ही, और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा के साथ अपना सिलेक्शन फिक्स करिए। समझ पाए? आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले मैं कहता हूं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। आइए आज का पहला सवाल। और ये दोस्तों, आज का पहला सवाल, देखो सवाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, सवाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो जरा, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और ये बटा है। ये क्या भाई, मेरे बटा है, बटा दिया हुआ इतने, पूछ रहे बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो कुछ करना नहीं है बच्चे, आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ ही लेना है। आपने बोर्ड में उसमें पढ़ रखा है कि हम सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 87। लेकिन पॉइंट आगे है, तेरा इसका क्यूब माइनस 0.11 का क्यूब, और बटा में है। देखो जरा दोस्तों, क्या बटा में है, कह रहा है कि 0.87 यानी कि 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.1। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? किसको? अरे भाई मेरे, इस चीज को, इस वाले को लिख सकता हूं ना दोस्त। देखिए जी, क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन गया? तो बाकी सारी चीजें, तो बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, जो बचेगा मैं वही लिख रहा हूं। क्या बचेगा भाई? 0.87 माइनस 0.1, यही बचेगा, बाकी और चीजें कट जाएंगी। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बोलो आसान है कि नहीं बच्चे? तो सर बिल्कुल आसान है। कैसे? 0. भाई मेरे, यहां 7 ही हो जाएगा और यहां 7, यानी कि 77। 0.77 देखो यहां छुपा हुआ है, इस ऑप्शन को मारो और एक नंबर आपके पक्के हो जाएगा। बहुत आसान सवाल होता है, ऐसे सवालों को बहुत घुमा सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि सीधे सीधे सवाल ऐसे दे दिया जाता है कि ये और ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे तोड़ा ना, इसको कई तरीके से तोड़ सकता है। इसको एक तरीका ऐसे भी है, ऐसे वो करके तोड़ सकता है भाई, 80 मतलब 0. ऐसे तोड़ सकता है, और प्लस क्या सकता है भाई, 0.07 ऐसे भी तो लिख सकता है इसको, मतलब किसको, 0.87 भाई, ये यही तो हुआ। तो कई तरीके हैं लिखने के लिए, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही है, क्या कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। और फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, एक ब्रैकेट में जब यहां प्लस होता है तो इस वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ये होता है, और इसके साथ क्या होता है, ए माइनस बी कहीं भी होता है, कहीं भी, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस है, और ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बेसिक यही है, कोई याद रखिए और मतलब बड़े धड़ल्ले से सवाल उठा दीजिए। एक ट्रिक मैं और बताऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन वो अगले क्लास में, ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आज का अगला सवाल कह रहा है कि सात क्रमागत एकांतर पूर्णांकों एक घनों का योग 360 है। जरा बताओ घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर घनों के योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। यही तो घनों के योग का फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसका औसत बताओ, तो औसत निकालने के लिए बटा 7 हो सकता है। कह रहा है ये बराबर दिया हुआ है 360। क्या दिया है बच्चे? 360। अच्छा अब क्या करना है आपको मेरे भाई? आपको कहना है, आपको यहां से इन संख्याओं का औसत याद करना, ठीक है। घनों का औसत ही है, कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। घनों का औसत नहीं, संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहां से n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और n की वैल्यू निकालने का प्रयास करोगे तो ये उधर जाएगा, यानी कि n n प्लस 1, ठीक है, बाय 2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, उधर जाएगा मित्र, तो ये हो जाएगा जानते हो क्या, 0, ठीक है, 7 × 42, 2, ठीक है, और 7 × 21, 21 × 4, 25, यानी कि 252 और 0 समझता है। आइए दोस्त अब जरा गौर से देखिएगा, क्या मैं आपसे कहूं कि यहां पे n प्लस 1 बाय 2 है, आया ना, स्क्वायर को मैंने उधर कर दिया, स्क्वायर को मैंने उधर कर दिया, मतलब n भी है यहां पे, सॉरी n भी है यहां पे, स्क्वायर को मैंने उधर कर दिया, तो 25 20 रूट। अरे हाँ यही तो हुआ। अब देखो जी इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है आप निकाल ना पाओ। आप जानते हो इसको 2500 लिख सकते हो, और 2500 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 50, ठीक है, और साथ में 20 भी है, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग आएगा, 50 पॉइंट समथिंग जो भी है, 50.23 जो भी चीज है, ठीक है, ऐसे मान लो। यहां देखो n प्लस 1 n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू कितना मेरे भाई, 7। देखो जी मैंने यहां n की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि बाबू ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या, पहली संख्या क्या होती, 1, लास्ट वाली संख्या n, भाई 7 ही तो संख्या है, लास्ट वाली n, तो n को पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा दो, ये तो औसत होता है, रख दो यहाँ पे। देखो 7 × 49 यानी कि 7 वाद के आसपास आना है, ठीक है, 8 हमारे पास आंसर है, क्योंकि यहाँ देखो दशमलव में और भी आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है पक्का। नेक्स्ट आई देखो जी बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि संख्या 1, 2, 3, 2, 4 फिर हैश दिया हुआ है, कह रहा है 8, 4 में हैश को निम्न में से किस संख्या से बदल दिया जाए कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। देखो जी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आ जाओ, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 8 से क्या होता है, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको जानने पड़ेंगे, लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ 2, 4 और 8, ठीक है। आइए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। ये पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर वही रिप्रेजेंट करता है मित्र कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। दोस्त ये कह रहा है कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, अरे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है तो यानी कि लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हैशटैग 8, 4 कह रहा है ये 8 से डिविजिबल है, कर लो भैया। मैं 8 यहां पे बताओ, मैं यहां पे क्या रखूं, ऑप्शन में से उठा लो ना, पहले मैं क्या रखूं, 8 रख दूं क्या, देखो 8
9, 72, 8, 80 ठीक है, और 84 तो कटना ही नहीं है। देखो 6 रखूं क्या, तो 6×6 = 60 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। 9 रख लो, 9×8 अब 8 से डिवाइड करो, 8×1 = 8 ठीक है, 18 हुआ, 18 हुआ, 8×2 = 16 2×5 = 8 = 24 बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा हैशटैग के स्थान पे क्या आएगा बच्चे, 9 आना है। अब एक चीज और सुन लो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर संख्याओं का जोड़ 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 भैया जिसके लास्ट में 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल है, या 0 हो 5 से डिविजिबल है। 9 से क्या होता है, पूरा अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होता है, संख्याओं को मतलब जितने संख्या ना उसमें डिजिट जो है ना उनका योग जो है अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड है। चलिए जी, ये आपके साथ एक्सटर्नल जानकारी थी जो हमने शेयर कर दी। कह रहा है 120 किलोमीटर गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर देती है, ठीक है। कह रहा है यदि ट्रेन ए और बी क्रमशः 100 मीटर 200 मीटर लंबी है, तो दोस्तों आप ये बात जानते हो कि अगर उसी दिशा में ट्रेन जा रही है तो अपेक्षित जो गति होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बताओ जरा। अपेक्षित गति वो घट जाती है, यानी कि 120 सबसे पहले क्या करिए, इसको क्या करिए मित्र, कुछ मत करिए, उसको चेंज कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड में ना। आइए दोस्तों, 300 हो गया इसकी दूरी, किलोमीटर में बनाना तो 1000 से भाग, बटा समय, समय भैया मेरे 2 मिनट, मिनट को घंटे में बनाना है तो 60 से भाग, बोलो है या ना, इतनी कहानी सेट है बिल्कुल। अब जरा देखो, ये 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, यानी कि यहाँ सारी चीजें सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2×3 = 6 बाबू एक्स की जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई, 117 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 117 हमें क्या घटाना, 9 घटाना ना, तो 111 आएगा, सॉरी 9 घटाना, देखो यहाँ 3 आया ना तो 3×9 111 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बाबू। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट सवाल आपकी नजरों के सामने है। कह रहा जी 812 किग्रा घन मीटर घनत्व का तेल 4 किग्रा प्रति घंटा की दर से जलता है, 4 किग्रा प्रति घंटा की दर से जलता है। कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 130 किग्रा तेल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा। अच्छा। कह रहा है देखो जरा, आपसे बड़ा आसान सवाल पूछ दिया, कहता 812 किग्रा ये घनत्व है इसका मेरे भाई, ये घनत्व है उस तेल का, या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कि जितना तेल है ना उसका घनत्व है। तो जरा सबसे पहले मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, ये फिजिक्स का सवाल हो गया, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा गौर से देखो, आपको डेंसिटी दे दी गई है, ठीक है, और कह रहा है कि 4 किग्रा प्रति घंटा जलता है, ये 4 किग्रा प्रति घंटा जलता है, कह रहा है आरंभ में कितना बहुत 1300 किग्रा तेल है, तो डेंसिटी भी है मास भी है, तो क्या वॉल्यूम नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, डेंसिटी रख लो 812। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मास हो गया 1300, यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। मैं कहूं वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा क्या, तो आप कहोगे 1300/812, जरा देखो 13 से कट रहा है क्या, तो 13×6 = 78 ठीक है, 78 हो गया, 13×5 = 65 नहीं कट रहा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर रहा इसको, यही छोड़ दो, वॉल्यूम तो हो गया मेरे आपको। अब दोस्तों जरा देखो गौर से, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलनाकार टंकी में, ठीक है, कह रहा बाबू टंकी देखो, ये जो वॉल्यूम आया ना, जो आयतन आया, ये किसका आया,
असल में ये वॉल्यूम जो है वो बर्तन का ही तो आया भाई। अगर तेल पूरा पूरा भरा हुआ है ठीक है, तो जो वॉल्यूम आया वो बर्तन का ही तो आया। लेकिन एक चीज आप और जानते हो कि बेलन, सॉरी बर्तन जो है वो बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे बताओ? कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। और ये बराबर किसकी है भाई? आयतन के 812। हाँ या ना बोलो, गजब सवाल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आइए दोस्तों, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको क्या पता है? रेडियस पता है लेकिन हाइट नहीं पता। इसकी वैल्यू होती है 22/7, जानते हो आप, गुणा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 20, यानी कि 20 गुणा 20। आइए दोस्तों 20 गुणा 20 को लगाते हैं। देखिए 20 गुणा 20, और कह रहा हाइट नहीं पता। हाइट नहीं पता तो हाइट यहां रख लो ठीक है। अब ये हो गया मित्र 1300/812, यही तो हुआ। तो ऊंचाई यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट ऊंचाई तो निकालनी पड़ेगी। यहां से देखो जरा, कह रहा भाई 2 0 से 2 0 गया, चलिए काट दिया हमने। यहां हो गया 2 2 मतलब 2 2 4 और 22 4 88 हुआ, बटा 7 हुआ, इंटू एच हुआ 13/812। बच्चे इसको उधर ले जाओ, 7 यहां आ जाएगा, आप जानते हो 8 यहां आ जाएगा, इसका मतलब एच की जो वैल्यू आ जाएगी 13/7/812/88 एच की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। कितनी बच्चे? एच की वैल्यू इतनी आ रही। अब जरा गौर से देखो आपसे क्या कह रहा है। कह रहा 4 किग्रा प्रति घंटे की दर से वो जल रहा है, 4 किग्रा प्रति घंटे की दर से वो जल रहा है ठीक है। तो कह रहा है बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक है, समझे बात? अब जरा गौर से देखो क्या कि तेल जला कितने घंटे? 6 घंटे जला। कितने घंटे भाई मेरे? तेल 6 घंटे जल गया, यानी 4 किग्रा प्रति घंटे की दर से जल रहा है, तो 6 चौके 24 यानी कि 24 आ गया भाई, 24 किग्रा तेल जल गया, 24 किग्रा तेल जल गया ठीक है। अब ऐसे ही करके इसका घनत्व, घनत्व तो दिया हुआ है, यहां से वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम यहां ले जाके घटा दोगे, बड़े आराम से आपका ऊंचाई पता चल जाएगा ठीक है, पक्का ना? आगे बढ़ते, बहुत अच्छा सवाल था ये, गजब। कह रहा है कि यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और रजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, भाई मेरे 50% अधिक कुशल होने का मतलब ये है कि रजा है ये और ये रणवीर है, रणवीर कह रहा है कि ये 50% अधिक कुशल है। सीधी सीधी बात है कि अगर ये 2 है, सीधी सीधी बात है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, तभी तो 50% अधिक कुशल हुआ, आया ना? फिर देखो आगे कह रहा है ये 6 दिन में पूरा कर सकता है, कौन? रणवीर। तो बच्चे काम कितना है? 6 दुना 12 काम है, सीधी सीधी बात है। तो कह रहा राजा उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? 4 दिन में। कितना आसान सवाल, 4 दिन में, है ना? नेक्स्ट कह रहा है कि 800 रुपए को अमित, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो। अनिल और सुनील, देखिए जी मित्र कितने हैं? एक अनिल है, एक सुनील है और एक जय है, यानी कि जय ठीक है। आपसे कह रहा है अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो ठीक है। 4 गुना अंतर होने का सीधा सीधा मतलब है ठीक है कि मैं अगर कहूं भाई मेरे कि अगर इसका हिस्सा 1 हो, अगर इसका हिस्सा 1 हो तो इसका हिस्सा 5 हो, सीधे सीधे। बट बच्चे ये भी नहीं दिया हुआ है, कह रहा जे का हिस्सा बताओ, हम कैसे बांट सकते इसको? क्या हम इसको बांट पाएंगे? तो कभी कभी एग्जामिनर आपको टेस्ट करने का प्रयास करता है ठीक है, और हो सकता है कि मे बी एक ऑप्शन यहां और दिया हो ठीक है, ऐसे करके कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CAN कैन नॉट बी डिटरमाइंड ठीक है, डिटरमाइंड। अब जरा गौर से देखो, हमें यह भी नहीं पता है कि किस अनुपात में बांटें, पता है क्या? नहीं जी बिल्कुल नहीं पता। और ये भी नहीं पता है कि असल में 5 यही है या 5 ये है,
ये भी सवाल में क्लियर नहीं है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है और असल में आयोग इस सवाल का मतलब इस सवाल का आंसर मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर नहीं होता इसको गलत मानता है, ठीक है। और जिस बच्चे ने इसको सोल्व कर दिया जाता है मतलब कर दिया होता है, ठीक है, उसके नंबर कट जाते हैं। और जिसने नहीं सोल्व किया होता है, ठीक है, या जिसने ये कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाया होता है उसके सही हो जाता है। समझे बात? आई अगला सवाल कह रहा है कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है सही वर्ग, अरे ये तो सवाल है उसका रीजनिंग का। चलिए जी आइए। कह रहा है कि तीन व्यक्ति अजय बाला और चरण चिड़ियाघर में इस तरीके से चल रहे हैं कि जब अजय पांच कदम चलता है, जब अजय पांच कदम चलता है अजय बाबू, ठीक है, अजय अजय जब ये पांच कदम चलता है ना, ठीक है, तो बाला जो है ना बाला बाला कितना कदम चलता है? छह कदम कह रहा है। और चरण सात कदम चलता है, चरण अपने चरणों से चरण चरण में सात कदम चलता है, ठीक है। आइए कह रहा है लेकिन लेकिन क्या कह रहा है? अजय के छह कदम बाबू, अजय के छह कदम, ठीक है, बाला के सात कदम के बराबर है, बाला के सात कदम के बराबर है, बाला के सात कदम के बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि बाबू चरण के यानी चरण के ए बी सी देखो, ए बी सी अजय बी मतलब बाला सी मतलब चरण, ठीक है बाबू। अब मैं ये जानता हूं कि अगर इनके 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 दूरियों का अनुपात मुझे अगर निकालना हो, दूरी का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? सीधे सीधे बात है, इसको ढक लूंगा, इन दोनों का गुणा कर लूंगा, यानी कि आठ आठ सत्ते कितना हो भाई मेरे, आठ सत्ते छप्पन, इसका अनुपात निकालना रहेगा, इसको ढक लूंगा, इन दोनों का गुणा कर लूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू का आठ छक्के अड़तालीस, इसका अनुपात निकालना रहेगा, इसको ढक लो, इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू का गुणा कर लो, यानी कि आठ छक्के सॉरी सात छक्के बयालीस, ये आ गया अनुपात आपका कि भैया जितनी इनकी स्पीड है। आप कह रहा ऐसा नहीं है, देखो इसकी स्पीड ये नहीं, ये है स्पीड, मतलब ये पता नहीं कितने कदम चल रहा है, लेकिन कह रहा है कि अजय जो है वो पांच कदम चल रहा है, तो उतने ही टाइम में अजय पांच कदम चला, यानी कि एक सौ छप्पन गुणा पांच कदम उतने ही टाइम में, और उतने ही टाइम में, ठीक है, इसने क्या कितना चला? छह कदम चला, और उतने ही टाइम में ये सात कदम चलता, ठीक है। अब ये जो आएगा यानी कि पांच छक्के तीस जीरो कहां पे आ रहा भाई, एक सौ चालीस, देखो यहाँ पे बड़े आराम से आंसर आपका यहां मिल जा रहा है, ठीक है, पक्का मित्र बताइए, बड़े आगे दोस्तों। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 70.75 से अधिक है? अभी इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है, देखो जी आओ। कह रहा नदी के किनारे एक नहीं एक का एक सड़क है, एक का सड़क है, एक का सड़क है, नदी के किनारे एक सड़क है। कह रहा राजू ने बिंदु X से दौड़ना शुरू किया, वह उसी सड़क पर बिंदु Y पर स्थित मंदिर पर गया, ठीक है। देखो जी मान लो अगर ये नदी है, ठीक है, और नदी के किनारे एक सड़क, ठीक है, कह रहा ये एक्स है और ये वाई है, पक्का, कह रहा वाई में एक मंदिर है, यहां पे एक मंदिर है, एक मंदिर है यहां पे, ये मंदिर है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि वह 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल से जा रहा है, मतलब ये जो राजू है ना, राजू राजू भाई की गति है जो वो 15 किलोमीटर पर। अब अगर मैं कहूं इसकी एवरेज गति बताओ जरा कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये एक ही बार चल रहा है, ठीक है, और एक ही बार लगातार अपनी रेस को पूरा कर जा रहा है, तो इसकी गति बोलो या औसत गति बोलो, ये 15 किलोमीटर पर घंटे ही रहेगी। आगे बढ़ो दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि उसका मित्र कुमार एक्स से वाई और वाई से एक्स तक जाने में 9 से 12 किलोमीटर पर घंटे कैसे जा रहा है, यानी कि जो कुमार है ना उसकी गति क्या है भाई, कुमार की गति क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो है। अब आगे कह रहा है नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर घंटा है, नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, तो सबसे पहले नदी का बहाव अगर 8 किलोमीटर पर घंटा रहेगा तो जाने वाली गति उसकी कितनी होगी, जब
नदी मतलब धारा की दिशा के साथ जाएगा तो उसकी गति इतनी होगी, लेकिन जब धारा की विपरीत आएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी मित्र, 8। आप कहो बताओ इसका औसत गति बताओ क्या होगा, तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, 4 × 8, 8 × 16, 160। बोलो 160 होगा कि नहीं होगा, औसत गति निकाल लो, बताया है कई बार, और बटा बटा क्या होगा 24। यहां से निकालो, आप जानते हो 6 से काटू, 4 से काटू, ठीक है 8 से काटो, 8 × 16, 8 × 16, 8 × 3 = 24, यानी कि 20/3, कितना मित्र 20/3। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों की औसत गति में अंतर क्या है, तो देखो ये इतना है, इसमें है 20/3, तो घटा दो बस सीधे सीधे, 45 में से 20 गया तो 25 आता है, 25/3 का मतलब 8 सही है ना, 8 सही जो भी आएगा, 1/3 देखो यहाँ पड़ा हुआ है, कितना देखो कितना लंबा सवाल और कट की कितना आ जाता है, तो हिम्मत नहीं छोड़नी है, ठीक है, कितना लंबा लंबा देखो, जितने लंबे सवाल होते हैं ना वो उतने छोटे में सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो लंबे सवालों से मत घबराना, हालांकि पढ़ने में टाइम लगता है बट कोई दिक्कत नहीं, आपको एक नंबर पूरा देके जाता है, ठीक है। आई अगला सवाल, और नंबर देखो हम टाइम बचाएंगे कैसे, जो छोटे छोटे सवाल ना ये इस तरह के सवाल उसमें टाइम बचाएंगे, ठीक है। आओ जरा सवाल देखो, कह रहे अक्षय ने सभी शर्ट अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 285 में, कोई दिक्कत नहीं 285 में बेच रहा है, यानी कि 95 पे बेच रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं बताओ 100% की वैल्यू, या मैं कहूं अंकित मूल्य बताओ कितना होगा, तो आप ये बात जानते हो कि 285 गुणा 95 100%, ये भी तो अंकित मूल्य होगा, क्योंकि अंकित मूल्य हमने 100 माना है सीधे सीधे। अब देखो 19 × 5 = 95, 19 × 1 = 95, 19 × 5 = 95 होते हैं, यानी कि 300 अंकित मूल्य होगा, 300 सीधे सीधे। अब कह रहा है अगर अंकित मूल्य 300 है, आगे देखो क्या पड़ रहा है, यदि उसने छूट न दी होती तो अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता, यानी इस पे बेच रहा तो 20% का लाभ, तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, तो निकालने का तरीका बहुत आसान है, आप जानते हो एक ही कटेगा ना, हाँ 12 से काटो, 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 60, यानी कि 250, कितना मित्र 250। तो ऐसे सवालों में आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। आओ अगला सवाल, कह रहा शिवा ने साधारण ब्याज दर पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया, जितना ब्याज की दर है, अगर ब्याज की दर बराबर है मतलब समय के बराबर है ब्याज की दर, इसका मतलब R is equal to T, सीधे सीधे, यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया, बाबू ब्याज जो दे रहा है ना वो 1296 दे रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हमें भाई, 1296 दे रहा है, कह रहा भाई 00 भी लगा दो, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में है, और प्रिंसिपल को रख दो नीचे, प्रिंसिपल क्या है भाई 3600, हाँ या ना, और आप जानते हो दोनों बराबर है तो आर का स्क्वायर किसको पूछ रहा है, ब्याज की दर, तो आर स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, 00 से भाई मेरे 00 गया, आप जानते हो स्क्वायर करोगे तो ये 36 का स्क्वायर होता है, इतना तो जानना जरूरी है आपको, और ये होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 = 36, आप जानते हो भाई मेरे, आ जाता है आपका 6% रेट कितना आ गया 6%। तो बच्चे मैं कह रहा हूं ना ऐसे ऐसे सवालों में आप टाइम बचा सकते हो, किधर गया ये देखो 6%, समझ पाए, ऐसे ऐसे टाइम बचा लो सवालों में, और जहां पे लैंग्वेज पढ़नी है वहां पे इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, और यही सुनिश्चित करेगा आपका सिलेक्शन। आओ दोस्तों अगला, कह रहा एक कार सर्विसिंग के लिए लाई जाती है, उसका ओडोमीटर 2500 किलोमीटर दिखा रहा था, सर्विसिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि ओडोमीटर में गड़बड़ी के कारण, जिसके कारण हमेशा 4 और 6 अंकों छोड़ दिया जाता है, 4 और 6 अंकों छोड़ दिया जाता है, वास्तव में कार कितने किमी चली थी, देखो जरा दोस्तों, देखो भाई मेरे, आई देखिए कह रहा अगर कार 2500 किलोमीटर चली थी, इसका मतलब कार ने क्या क्या छोड़ दिया, कार ने सीधे सीधे देखो 400 किलोमीटर से लेके, ठीक है, जैसे ही 400 पहुंचा होगा वैसे 400 छोड़ दिया होगा, और 499 तक छोड़ा, बोलो छोड़ा होगा नहीं छोड़ा होगा, यानी कि 100 किलोमीटर तो इसने यहीं छोड़ दिए, आया ना, बोलो छोड़ेगी नहीं छोड़े, 100 किलोमीटर अगर इसने यहां छोड़ दिए, फिर आगे कह रहा देखो आगे पड़ेगा 1400 से, ठीक है मित्र, 1499 14 नहीं 1500 जी 1499 सही है, 1499
अब देखो 100 किलोमीटर यहां छोड़ दिए इसने, सेम सवाल मतलब सेम कहानी 6 के भी साथ है। इसने बताओ 600 के बाद तथा 699 के पहले, मतलब कि पूरा 100 छोड़ा। ऐसे ही देखो 1600 और 1699, देखो 100 किलोमीटर कितना, 100 200 300 छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कितना किलोमीटर छोड़ दिया बच्चे। देखो यहां पे छोड़ा 100 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर छोड़ दिया इसने, कितना छोड़ दिया 400 किलोमीटर, यहां 400 छोड़ दिया। अब देखो यहां 2400 पूरा ही पूरा गायब होगा, और होगा कि नहीं गायब, 2400 पूरा ही गायब होगा। इसका मतलब वहां पे 2400 गायब किया तो कुल मिला के कितने, यानी कि 1000 किलोमीटर गायब कर दिए बच्चे। देखो यहाँ पे 1000 ही किलोमीटर गायब हो गए, यानी कि यहाँ पे 1400 तो था ही, साथ में 1000 किलोमीटर भी गायब हो गए। इसका मतलब 1400 किलोमीटर गायब हुए, है ना, बोलो 1400 किलोमीटर नहीं चो अरे 2400 होगा तो 100 ही तो गायब होगा, यानी कि यहाँ 500 किलोमीटर गायब हो गए। कितने बच्चे, 500 किलोमीटर गायब हो गए। देखो ये हमारे मोटे मोटे आंकड़े से आ गए 500 किलोमीटर गायब। अब जरा एक बार गौर से सोचो और रिमाइंड करो और जरा बताओ मुझे, ठीक है, कि अगर मैं 100 किलोमीटर चलने का प्रयास करूंगा, अगर मैं 100 किलोमीटर चलने का प्रयास करूंगा तो पहली बात तो इसमें 4/4 किलोमीटर गायब होगा, 6/6 किलोमीटर गायब होगा, फिर ऐसे 14 गायब होगा, फिर ऐसे 16 गायब होगा, फिर ऐसे 24 गायब होगा। तो इन सबका योग निकाल, मतलब कितने कितने किलोमीटर होगा, इन सबका योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यार देखो यहाँ लास्ट में 94 भी तो गायब होगा, लास्ट में 94 गायब होगा और यहाँ लास्ट में 96 भी गायब होगा, आया ना। तो आप ये बात जानते हैं, इनका योग निकालने का एक फॉर्मूला है जो हमने आपको बता रखा है भाई, सबके सबके बीच 10-10 का अंतर होगा, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई मेरे, और ये 10 इनकी संख्या होगी आप ये भी जानते हैं, यानी कि n बाई 2 इसका मतलब 5, 2a यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि n हो गया आपका कितना 10, 9 हो जाएगा और d हो गया आपका 10 यानी कि 90, ये तो हुआ। और साथ साथ ऐसे इसका भी निकालो, यानी कि 10 5 ही होगा, 2a यानी कि 6 × 12 प्लस यानी कि 10 यहां भी तो 90 ही होगा, बोलो आया ना, वही कहानी सेम कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा दोस्तों इसको सोल्व करो, अरे रुक जा यार, अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों 98 × 5 करो, यानी कि 98 × 5 करोगे तो 5 × 8 = 40 0 हासिल हो गया, 1 हासिल हो गया 4, ठीक है, और 5 × 9 = 45 45 × 4 = 49 यानी कि 490 किलोमीटर। यहां देखो जरा कह रहा है भाई 5 ये होगा कितना 102, तो 5 × 2 = 10 0, ठीक है, और 5 × 1 = 5, बात समझो 100 इतने किलोमीटर गायब हो गए, 100 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर में इतने किलोमीटर गायब हुए, 1000 किलोमीटर में इतने, 1000 किलोमीटर में इतने, बाकी आपने यहां कैलकुलेट कर लिए हैं कितना भाई 500 किलोमीटर, यहां कितने हो गए 490 510, तो सबको जोड़ लो यानी कि 510 490, ठीक है भैया, इन सबको जोड़ के ना, इन सबको जोड़ के इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है, बहुत ही आराम से जरा देखो आपका 1200 कुछ के आसपास आ जाएगा आंसर, 1280 के आसपास। देखो यहां ना ये 10 है, यहां पे 90 है, घटाओगे आराम से 1280 आता है। आइए अगले सवाल पे चलते, बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है, आइए दोस्तों अब इसमें कोई दम नहीं है बिल्कुल सवाल में, तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मतलब जिनमें कोई दम नहीं होगा, और ऐसे भी पूछे जाएंगे मतलब जो माथा हिला देंगे आपका, ठीक है, तो हर सवाल की प्रैक्टिस अभी से करनी है, ठीक है, और अभी से करनी है, वही तो कह रहा हूं, एक बार आप लग जाइए बिल्कुल हमारे साथ। आइए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि ए बी का एक तिहाई है, कह रहा है ए बी का एक तिहाई है, समझे बात, यानी कि बी अगर 3 है, ठीक है, अच्छा बी ए का एक तिहाई है, ए का अगर ए 3 है तो बी 1 है सीधे सीधे, कह रहा बताओ कितना कम है, तो आप जानते हो ये 2 कम है, किससे, किससे भाई जो बड़ा उसी से, तो यानी कि 3, तो 2/3 का मतलब 66 2/3, अब बताओ ये कितना आसान सवाल था, कितना झंडू बाम सवाल था, अभी रुक जा यार, कितना झंडू बाम सवाल था, झंडू बाम लगा, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर गति से जा रहा है, कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है, उस व्यक्ति ने गंतव्य स्थान पर जाने मतलब बस से जाना पड़ता है, ठीक है,
बस की गति कार्स के मुकाबले 3/4 है। इसके कारण 15 मिनट की देरी हो जाती है अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए। कुल यात्रा कितनी भैया? 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्ति कितने समय, मतलब व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई, यानी कब कार खराब हुई। ठीक है, मतलब कितने समय में। तो जरा गौर से देखो, अगर मैं कहूँ यहां से लेके अगर मुझे यहां तक की दूरी कवर करनी है, ये है 100 किलोमीटर। बहुत आसान सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा भाई देखो, 80 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार है कार की, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि 60 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार है बस की। कैसे? अरे 4 बराबर किसके? इसके, तो 3 बराबर बस की दूरी, यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा हो गई बस की चाल। बस की चाल पक्का। मैं ये कह रहा हूं ना कि यही मान लो यहीं तक ब्रेक करके यही उसकी कार खराब होगी। उसने एक्स ही किलोमीटर चला और 100 माइनस x किलोमीटर वो बस से चल गया। समझ पाए? कह रहा कि 15 मिनट देरी होगी भाई। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर वो पूरा जो है 100 किलोमीटर अगर कार से ट्रेवल करता, तो मेरे मित्र बताओ कितना समय ले लेता। तो आप कहेंगे सर आप ये बात जानते हैं क्या कि दूरी बटा चाल ही होता है समय, और प्लस अगर उसने कुछ लेट कर दिया है तो वो है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 15 × 60 यानी 1/4 हो गया घंटा। बोलो आया ना? पक्का? अब देखो ये हुआ कैसे। हुआ ऐसे कि भाई मेरे 80 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 80 किलोमीटर कहां मैं लिख रहा हूं, देखो जरा। देखो मित्र कह रहा है कि x किलोमीटर तो 80 घंटे फरार की रफ्तार से चला गया, तो इतना टाइम लग गया। लेकिन जो बची हुई दूरी थी ना, वो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय की गई, तभी तो इतना टाइम लगा। आया ना? बोलो बहुत आया। 1/20 कॉमन ले लो, जिस बच्चे को अगर थोड़ा सी भी अकल है तो ऐसे कॉमन ले लो। तो कॉमन लेगा अगर, तो यहां बचेगा 1/40 मतलब 1/4 और 1/3 मतलब यहां 3x हुआ। ठीक है, प्लस यहां 400 हुआ, माइनस यहां 4x हुआ, बड़ा गया हो भाई 4, 6। अब आओ यहां देखो, ऐसे हो गया। ठीक है, और ये हो गया 4 × 5 = 10, 4। ठीक है, यानी कि 6/4, 6/4। ठीक है भाई, आओ जरा दोस्तों। कह रहा है कि देखो ये जरा इससे थोड़ा सा कट जाता है, थोड़ा सा ही काटना, ज्यादा नहीं काटना। ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3 × 2 = 6 यानी कि 20 × 3 = 60, 6 × 6 = 36 यानी कि 360। ठीक है, 360 हुआ, और ये हो गया कितना, माइनस का एक्स घटाया उठाएंगे आप जानते हैं, इज इक्वल टू 360 माइनस का 400। ये तो हुआ, तो एक्स बराबर क्या होगा, घटाना और जोड़ना आप जानते हैं, एक्स बराबर 40 किलोमीटर, यानी कि जो कार चलाई ना उसने वो सिर्फ 40 किलोमीटर चलाई। अब आप समझदार हो कि 40 किलोमीटर अगर कार चला रहा है, उसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर घंटे है, तो आधे घंटे में तो चला है, मतलब कवर कर लेगा ये दूरी, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। नेक्स्ट आ जाओ सवाल, अगले सवाल से। अच्छा सवाल था वो भी, कह रहा है कि एक्स वाई जेड इन्फो सॉल्यूशन ने जून महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया। कह रहा है जून महीने का आरंभ यदि सोमवार से होता है, यानी 1 जून को सोमवार है। ये कैलेंडर का ही सवाल है यार, आ जाओ, कैलेंडर का ही सवाल है। कह रहा है 1 जून को जो है वो सोमवार है, ये मंडे, यानी कि 2 को पड़ेगा क्या, 2 को क्या पड़ेगा, 2 जून को क्या पड़ेगा, ट्यूजडे पड़ेगा, 8 को क्या पड़ेगा, सीधे सीधे बताओ 8 को क्या पड़ेगा, 8 को पड़ेगा फिर मंडे। ठीक है, फिर 8 × 7 = 15 को क्या पड़ेगा मेरे भाई, 15 को फिर मंडे पड़ेगा, हाँ ना बोलो, इसको भी मंडे पड़ेगा। फिर जरा फिर देखो 23 को क्या पड़ेगा, अरे मेरे 23 को फिर मंडे पड़ेगा, और 30 को क्या पड़ेगा, 30 को फिर मंडे पड़ेगा। अरे यही तो है साइकिल, यही तो ऐसा साइकिल तो घूमेगा। अब जरा गौर से देखो, अगर 2 को ट्यूजडे तो 9 को भी ट्यूजडे, 9 को भी ट्यूजडे, ऐसे 16 को भी ट्यूजडे, ऐसे 24 को भी ट्यूजडे, कह रहा हर ट्यूजडे छुट्टी रहती है, तो बताओ कितने ट्यूजडे आ गए, 1, 2, 3, 4, 4 तो ट्यूजडे आ गए। ठीक है, और कह रहा हर सोम मतलब हर दूसरे सोमवार छुट्टी, तो 4 × 5 हुआ, 5 × 1 = 6 हुआ, यानी कि 30 दिन में 6 दिन छुट्टी, तो काम कितने दिन होगा, 24 दिन। वही तो पूछा था सवाल में, कह रहा कितने दिन काम, 24
अगला सवाल आपकी नजरों के सामने कर लेना यार, कैलेंडर का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आई, अगला सवाल है दोस्तों आपकी नजरों के सामने, बहुत अच्छा सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट यहां से सीख के जाओगे आप, एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके सुनना। कह रहा है कि 23.1, जरा ये देखो इन दोनों को जोड़ो, ये भी 23.1 आ रहा है। तो भाई मेरे यहां हो जाएगा 23.1 का स्क्वायर, हो ही नहीं होगा, बहुत। ये देखो इतना ही है लेकिन तोड़ के लिख दिया गया है, यानी कि 48.6 का स्क्वायर, वो भी देखो इतना ही है बट तोड़ के लिखा गया, तो इसको भी ऐसे जोड़ लो, तोड़ा है तो जोड़ लो और ऐसे कर लो, किसके बराबर है दोस्त? अरे यहाँ प्लस है, किसने नहीं लिखा, यहाँ प्लस है मित्र, ठीक है। कह रहा है कि 1 0 1 1 प्लस एक्स, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे किस किस बच्चे ने डिजिटल सम के बारे में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा डिजिटल, क्योंकि बच्चे आप जानते हो ऐसे सवाल लगाने में आपके पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे बाबू इन सब का स्क्वायर करने में, 3-3 डिजिट का स्क्वायर है ना। बट डिजिटल सम से ये सवाल मात्र चुटकी बजाते हो जाएगा, कैसे आइए समझाते हैं। देखिए हमें क्या है डिजिटल सम मतलब 9 से, मतलब जहां जहां डिजिट का एड जो है, सम जो है वो 9 हो जा रहा है ना, उसको खत्म कर दो, उसको नहीं लेना है सीधे सीधे। तो देखो कहां बन रहा है भाई, 3-3 6 हुआ ना, और 6 4 36 मतलब भाई 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, और 36 देखो यानी कि 6 और 3 9, तो जैसे ही 9 बना ना ये कट के 0, ये काट के 0, यहां आ जाओ 8 6 4 10 8 18 यानी कि 18 9 और प्लस 1 9 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 मतलब 9, जैसे ही 9 बना काट के 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होना है। यहां आ जाओ देखो 9 तो अपने आप ही कट गया, मैंने कहा था 9 बनाओ हटा दो उसको कोई जरूरत नहीं है, 8 में से मतलब इसमें एक और निकाल लो, तो जानते हो आप यहाँ 2 बच्चे का, यहाँ 9 यानी कि ये भी कट गया, यहाँ पे 2 बचा यानी कि 2 का स्क्वायर हुआ 2 × 4 यानी कि -4, समझे कि नहीं समझे। ये हमेशा मैं बता दूं मैं 9 से भाग दे रहा हूं और काट रहा हूं सीधे सीधे। आइए यहां देखो यहाँ 3 बचा, यहाँ प्लस हो प्लस एक्स हो। एक बात याद रखना गौर से, मैं या तो 4 लिखूं, ये रिमाइंडर है, पहली बात रिमाइंडर है, रिमाइंडर देखो मैंने इसको जोड़ा था ना 8 मतलब 8 × 3 = 11 और 9 से काटा तो 3 मतलब 4 रिमाइंडर आ गया, माइनस का 4 रिमाइंडर आ गया। तो अगर माइनस का 4 रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर माइनस तो होता नहीं है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है। रिमाइंडर माइनस का 4 नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है। तो कैसे करें, मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर से घटा के रिमाइंडर प्लस लेते हो, तो रिमाइंडर आ गया प्लस का 5, यानी कि यहां बन जाएगा या तो माइनस का 4 लिखो या 5 लिखो कोई समस्या नहीं है, यहां हो गया 3 प्लस यहां हो गया x। कह रहा x की वैल्यू बताओ, तो ये सारी जो वैल्यू दी गई ना x की वैल्यू तो है, अगर x की वैल्यू यहां हमें 2 मिल जाती है डिजिटल सम से, बच्चे x की वैल्यू अगर 2 मिल जाती तो मेरा आंसर है। देखो जरा सबसे पहले शुरू को यहीं से, कह रहा है कि 3 3 6 ठीक है और 6 5 11, अरे यही तो मिल गया, यही मिल गया 2 वैल्यू, 3 2 5, इसका मतलब यही आपका आंसर है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डिजिटल सम है, ठीक है। यहां से मतलब देखो आप कितना आसान हो जाता है, ना आपको कोई स्क्वायर करने की जरूरत है ना ही बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की, ठीक है। आइए अगला सवाल, जी भाई बिल्कुल, कह रहा है 28.75 रुपए प्रति किग्रा का मिश्रण, बहुत आसान सवाल है, एलिगेशन का सवाल है, 25 रुपए प्रति किग्रा और 30 रुपए प्रति किग्रा किस ममालिक सीमेंट किस अनुपात में मिलाई जाती है, बहुत ही आसान है, ऐसे सवाल तो हमने आपको पढ़ा रखे हैं, पढ़ा रखे ना भाई 28.75 रुपए करिए जी, एलिगेशन लेना है, सिंपल सा एलिगेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ भाई 1.25 इसमें जरा देखो 3.75, अब तेरा पॉइंट पॉइंट समान है, हटा दो 25 से काट दो यानी कि 25 × 5 = 125, ठीक है 25 × 5 = 125, और यहां एक बार 25 से काटोगे तो 25 × 5 = 25, ठीक है और 25 × 5 = 125, एक बार और कट जाएगा आप जानते हैं 5 और 3, ठीक है यानी 1 / 3 जहां पे भी आपका आंसर रखें वही आपका बहुत आ रहा है, तो वो सिंपल, ठीक है। तो फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आपने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 2 कॉन्सेप्ट,
ठीक है, एक तो डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक आप टाइम कैसे बचाएं सवालों में, दो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है तो उसके लिए हमारे कंप्लीट बैच बना के हमारे ऐप, हमारी वेबसाइट मोबाइल पाठशाला पे पढ़े हुए हैं, आप जाइए आज ही रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतने दोस्तों।